ऊपर है। सिमी जी, आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट पर कोई राय, क्योंकि काफी तेजी से गिरा भी था, आज जो रिबाउंड आ रहा है ओपनिंग पर, कोई ट्रेडिंग का मौका बनता है? मुझे लगता है दीपांशु, स्टॉक में थोड़ा सा वेट करना ही बेहतर होगा। स्टॉक वैसे तो रिकवर किया ही है, पर ओवरऑल मुझे लगता है कि 1050-1055 इसके लिए बहुत ही भारी साबित हो सकता है। अभी 37 के आस के आसपास है, मतलब यहाँ से 10-15 रुपया ऊपर जाना पड़ेगा, वापस सस्टेन भी करना पड़ेगा। एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, अगर कोई रिबाउंड के लिए प्ले कर रहे हैं तो 1020 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और खरीदारी फ्रेश नया खरीदारी 1055 के ऊपर जाके अगर ये स्टॉक 15 मिनट भी टिकता है तो ही करना चाहिए 1100 का टारगेट के लिए। फिलहाल के लिए 1020 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करती हूँ, जो जिनको आज का इस मतलब मोमेंटम में एंट्री लेना है 1020 का स्टॉप लॉस ही लीजिए आज के दिन के लिए, और 1055 के ऊपर फ्रेश खरीदारी कीजिएगा, 1100 का टारगेट आ सकता है इसमें। ओके, तो ये है आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज पर राय। स्टॉक्स में एक्शन है भरपूर, एक्शन स्टॉक्स में हेवल्स आज का एक्सीडेंट 8% नीचे आता हुआ। आशीष केलकर साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी तैयार है मेरे पड़ोस में, बिगुल चार्ट कॉर्नर, बिगुल चार्ट कॉर्नर का बिगुल। ओपनिंग शो की पहली पिक आती हुई कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, बताएं सर। मोटा मोटा